सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश में कल से हवाई सेवाओं का संचालन फिर से शुरू हो जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट स्पाइस जेट की होगी जो कि कल सुबह 5:45 पर गुजरात के सूरत के लिए उड़ान भरेगी। हालांकि कई राज्य अभी विमान सेवा को लेकर नियम तय करने की प्रक्रिया में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विमान से आए यात्रियों के लिए 14 दिन होम क्वारंटीन रखे जाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा के लिए एयर इंडिया और वाराणसी के लिए स्पाइस जेट की फ्लाइट शुरू होगी। तो कल से डोमेस्टिक फ्लाइट की शुरुआत होने जा रही है। लंबा इंतजार किया यात्रियों ने, लेकिन अब वो अपने डेस्टिनेशन तक कम वक्त में आसानी से पहुंच सकेंगे। लेकिन कई राज्य इसको लेकर आपत्ति भी जाहिर कर रहे हैं, नियम तय करने की बात की जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने विमान से आए यात्रियों के लिए 14 दिन होम क्वारंटीन रखे जाने के निर्देश भी दे दिए हैं, यानी कि सख्ती बरती जा रही है, तमाम नियम भी बना दिए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन अभी ये फ्लाइट्स लिमिटेड होंगी। तो जयपुर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट स्पाइस जेट की होगी जो कि कल सुबह 5:45 पर गुजरात के सूरत के लिए उड़ान भरेगी। हालांकि कई राज्य अभी विमान सेवा को लेकर नियम तय करने की प्रक्रिया में हैं और कई ऐसे हैं जो इसको लेकर आपत्ति भी दर्ज करवा रहे हैं। तो पहले ट्रेनों को शुरू किया गया श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए, लेकिन अब कोशिश यही कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए और इसी वजह से लोग अपने घरों तक पहुंचने की कोशिश में थे, लेकिन उनको कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में अभी शुरुआत की गई है कुछ एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से जो कि कम वक्त में अब लोगों को उनके घरों तक पहुंचाएंगे। एक बड़ी राहत के तौर पर इस फैसले को माना जा रहा है।